है, जैसे हम लोन लेते हैं या हम डिपॉजिट करते हैं, उससे रिगार्डिंग जो वर्ड्स होते हैं कि उनको इंग्लिश में हम क्या कहते हैं, उसके बारे में आप पढ़ रहे हो आज आप यहाँ पे। ठीक है, आप सभी अपने आप को म्यूट करके रखेंगे, डिस्टरबेंस नहीं होगा क्योंकि रिकॉर्डिंग इज गोइंग नाउ। ओके, तो जिसकी तरफ से भी डिस्टरबेंस आ रहा है वो भी सारा रिकॉर्ड होगा। तो सभी को म्यूट करके रखना है अपने आप को, जिससे क्वेश्चन पूछू देन ही विल रिप्लाई। तो सभी को ध्यान से सुनना है, उसके बाद मैं आपको ग्रेड दूंगी उसके अकॉर्डिंग जैसा कि आपका काम आ रहा है आपके नेम और सेक्शन के साथ। ठीक है, तो वो बाद का काम है, आपको अभी नहीं भेजना है, अभी क्लास अटेंड करनी है। REDMI, रेडमी के नाम से कौन है बेटा, तो प्लीज मेंटेन डिसिप्लिन। ओके, अपना नाम लिखना है आपको, रेडमी के नाम से कौन है, टेल मी योर नेम बेटा। यस, आर यू लिसनिंग? यस मैम। हाँ, तो आप खेल रहे हैं या क्लास अटेंड कर रहे हैं बेटा? वो खेल रहे रेडमी के नाम से किसका नाम है बेटा ये? प्रॉपर तरीके से क्लास अटेंड करें, अदरवाइज आई विल रिमूव। तो देखें यहाँ पर वर्ड गेम मींस टॉकिंग अबाउट मनी। हम इसमें बैंक में जो भी हमारा बैंक से रिलेटेड जो भी लेन देन है वहां पे जो वर्ड यूज होते हैं उसके बारे में हम पढ़ रहे हैं कि दे आर फाइनेंशियल टर्म। यू नो अबाउट द बैंकिंग एंड फाइनेंशियल टर्म, यू हैव टू कंप्लीट द क्रॉसवर्ड। ओके, देयर आर एक्सक्यूज मी अक्रॉस मैम, एंड डाउन। यस बेटा, हेलो। मैम कौन सा पेज नंबर पढ़ा रहे हो? पेज नंबर 56 आप सभी को निकालना है अपनी बुक ओके में। मैम, आप ओके नाम मैम, बताएंगे बेटा अपना? क्रिश। हाँ क्रिस बेटा, 56 पेज करा रही हूँ, जल्दी से निकालो सभी बच्चे। सभी ने निकाल लिया है? हाँ, यस मैम, निकाल लिया मैम। ओके। और ध्यान दे बेटा, आपका जो डिसिप्लिन है वो मैं देख रही हूँ, चेक कर रही हूँ कि कौन बच्चा कितने अच्छे से कर रहा है। ठीक है, तो देखिए फर्स्ट वर्ड है यहाँ ओके पे मैम, अक्रॉस का। अक्रॉस में देखिए फर्स्ट वर्ड, अ बैंक अकाउंट यूज्ड टू पे एवरीडे एक्सपेंसेस। जो एवरीडे के जो खर्चे होते हैं, जो बैंक अकाउंट है आपका जिसमें आप डेली यूजेज के लिए जो डेली यूज आप करते हो, स्पेंड करते हो, उसमें जो आप यूज करते हो दैट इज नोन एज, उसको हम क्या कहते हैं, दैट इज नोन एज चेकिंग। क्या कहेंगे? चेकिंग, क्योंकि वो डेली चेक होता रहता है कि आपने कहाँ पर कितना स्पेंड किया है। क्लियर? CHECKING आपने भर रखा होगा। यस बेटा, अदिति? यस मैम, यस। यस मैम। नेक्स्ट नेक्स्ट बेटा, अक्रॉस का ही पहले हम कंप्लीट कर लेते हैं कि अक्रॉस में कौन कौन से वर्ड हैं और हम इनको क्या कह सकते हैं। अ बैंक एम्प्लॉय, अ बैंक एम्प्लॉय इज नोन एज टेलर। जो बैंक का एम्प्लॉय है, हेलो, बैंक में जो काम करता है वो टेलर हो गया। कैसे टेलर हो गया? कि ही इज गाइडिंग अस अबाउट द बैंक लोन एक्सेट्रा, उनके बारे में हमें बता रहा है वो, दैट इज टेलर। नेक्स्ट है टोटल इनकम बिफोर टैक्स इज डिडक्टेड, मीन्स टैक्स डिडक्ट नहीं हुआ है उसमें से और वो टोटल इनकम वो क्या होगी आपकी? 6 नंबर पर है आपका विथड्रॉ, सॉरी ये था आपका 4 नंबर। तो इसको 6 नंबर नहीं, हम 4 नंबर की बात कर रहे हैं। टोटल इनकम बिफोर टैक्स इज डिडक्टेड, अक्रॉस में देखें और बताएं। ग्रॉस, ग्रॉस दैट इज नोन एज ग्रॉस, क्योंकि उसमें ग्रॉस टैक्स इंक्लूड है, टैक्स को हमने अलग नहीं किया हुआ है। नेक्स्ट है टेक मनी आउट ऑफ द बैंक, दैट इज नोन एज विथड्रॉ, दैट इज नोन एज विथड्रॉ, मींस हम बाहर मनी निकाले, बैंक से हम पैसा निकाल रहे हैं तो दैट इज विथड्रॉ, और जब डिपॉजिट करते हैं मींस जमा करते हैं दैट इज डिपॉजिट। क्लियर? नेक्स्ट आपका होगा मनी दैट इज पेड बैक एट रेगुलर इंटरवल आफ्टर इट इज बोरोड, मींस आपने बोरो कर लिया, लोन ले लिया, उसके बाद जो पैसा जमा किया जाता है उसको क्या कहेंगे हम? पेमेंट, आपकी मंथली पेमेंट कितना जाएगा, payment. आपने कुछ स्पेंड किया है कहीं पर उसकी आप पेमेंट कर रहे हो, उसको आप जमा कर रहे हो। ओके, दैट इज पेमेंट। नेक्स्ट है एवरी मंथ, एवरी मंथ मींस मंथली, जैसे कि मंथली ईयरली जो होता है उसको क्या कहते हैं? एनुअल।
ओके एनुअल और एवरी मंथ मींस मंथली. टू पुट मनी इन द बैंक, बैंक में पैसे जमा करना उसको deposit. क्या कहेंगे डिपॉजिट. डिपॉजिट ओके नेक्स्ट म्यूट रखें. देन इंटरेस्ट रेट दैट चेंजेस विद टाइम, इंटरेस्ट रेट जो चेंज हो जाता है टाइम के साथ साथ दैट इज नोन एज कैश एडवांस. क्या कहेंगे वेरिएबल. नेक्स्ट है आपका मनी दैट हैज बीन बोरोड, जो पैसा निकाल मींस लिया गया है बोरो किया गया दैट इज नोन एज लोन एल ओ एन लोन. अ बैंक्स मेन इंटरेस्ट रेट, बैंक की जो मेन इंटरेस्ट रेट है दैट इज नोन एज प्राइम. Not pay a loan. जो means default होता है. Default. A bank account that is used to save money. A bank savings account. That is known as saving account. Savings account. Okay. Yes. Guarantee a loan for somebody else. Guarantee. लोन ले रहे हो और आपके साथ गारंटी, बैंक को गारंटर चाहिए होता है कि मींस वो आप वो साइन कर रहे हैं आपके साथ कि अगर वो जो लोन ले रहा है वो नहीं चुका पाएगा तो वो दूसरा पर्सन उसको गारंटी दे रहा है कि मेरे उस पर गारंटी पे आप इसको लोन दे दीजिए, अगर कोई प्रॉब्लम आती है देन आई विल हैंडल. यस नेक्स्ट है आपका द अपोजिट ऑफ लैंड, जो ले रहा है वो बोरोर हो गया और जो दे रहा है वो लेंडर हो गया. क्लियर. अ मंथली फी ऑन बोरोड मनी, जो लोन लिया गया है उस पर जो मंथली फीस लगती है दैट इज इंटरेस्ट. इंटरेस्ट मयंक टेल मी द स्पेलिंग ऑफ इंटरेस्ट. ई आर एस टी आई एन टी ई आर एस टी. कपिल आपका नाम मयंक है बेटा. हाँ, तो जिससे पूछो वही आंसर दे प्लीज. ओके नेक्स्ट है, ओके नेक्स्ट है आपका इफ मनी इज बोरोड इट रिजल्ट इन दिस, तो क्या होगा उसको हम क्या कहेंगे. इफ मनी इज बोरोड इट रिजल्ट इन दिस, हमने लोन लिया है तो हमारे पास ऊपर क्या हो गया डेब्ट हो गया, कर्जा हो गया. ठीक है दैट इज नोन एज डेब्ट या कर्ज. अब डाउन, now we are going to down. The maximum one can borrow on a credit card, उसमें क्या होता है credit limit. तो कोई भी क्रेडिट कार्ड है उसकी क्रेडिट लिमिट होती है कि आप यहाँ तक या इतने मंथ तक आप ले सकते. Excuse me ma'am. Yes. Ma'am 29 में क्या आएगा. 29 में बेटा debt है, debt debt. Okay, we can go ahead. Yes, ma'am. Yes, next देखें. The maximum one can borrow on a credit card, आपने बताया credit limit. Credit limit. Okay. A house loan. What is known as house loan? Mortgage. जैसे कि हम अपने घर को गिरवी रख के loan लेते हैं. That is known as mortgage. House loan. The opposite of save. Save का opposite क्या होगा. Spend. Means बचाना. Spend means. खर्च करना. A cash machine. You all know about this. ATM. A cash machine. ATM. Okay. Next number है down में आपका 8 number है. A cash machine. ATM. 11 वीजा मास्टर कार्ड ईटीसी आर एग्जांपल ऑफ क्रेडिट कार्ड. नेक्स्ट नंबर आपका 12 विद व्हेन वन वर्क्स फॉर वनसेल्फ एंड नॉट एम्प्लॉयड एनीवेयर. सेल्फ एम्प्लॉयड. बिजनेस इज डूइंग मींस सेल्फ वर्क दैट इज नोन एज सेल्फ एम्प्लॉयड. आदिति आवाज मेरी आ रही है आपको, सभी को क्लियर आ रही है. Yes, ma'am. ठीक है तो अभी जिसको नहीं आ रही है वो एक बार चेक कर ले, नेटवर्क का प्रॉब्लम हो सकती है, इश्यू हो सकता है.
नेक्स्ट देखिए बेटा, ज्यादा से ज्यादा बच्चे म्यूट रखें, जिसका नाम लिया जाए वो रिप्लाई करे तो सभी को क्लियर आएगी आवाज। देखिए, टू मूव मनी फ्रॉम वन बैंक अकाउंट टू अनदर, आई एम आस्किंग मैम यू स्किप 13 ट्रांसफर। यस मैम यू स्किप 13। यस बेटा, सो दैट आई एम टेलिंग यू नंबर 18 नंबर आई एम टेलिंग यू, देन आई विल टेल यू 13। टू मूव मनी फ्रॉम वन बैंक अकाउंट टू मीन्स एक बैंक से दूसरे में ट्रांसफर करना, दैट इज नोन एज ट्रांसफर। ईयरली मीन्स एनुअल, जैसे मैंने मंथली के साथ आपको बताया था, एवरी मंथ मीन्स मंथली, ईयरली मीन्स एनुअल। जैसे कि आपके स्कूल में फीस डिपॉजिट होती है, दैट मीन्स आपकी मंथली, क्वार्टरली, एनुअली, ओके, तो दैट इज एनुअल। टू मूव मनी फ्रॉम वन बैंक टू ट्रांसफर, ओके, मनी दैट इज अर्न, जो पैसा कमाया जाता है, जैसे कि आप फुल मंथ आप वर्क कर रहे हो, उसके रिगार्डिंग आपको क्या मिलता है, दैट इज नोन एज सैलरी। सैलरी, ओके, स्पेलिंग ऑफ सैलरी SALARY। SALARY। नेक्स्ट है बेटा, एन इंटरेस्ट रेट दैट स्टेज द सेम ऑलवेज, जो इंटरेस्ट रेट है वो सेम रहता है, दैट इज नोन एज फिक्स्ड। ओके, द मनी दैट वन हैज, एक व्यक्ति के पास पैसा है वो क्या कहलाएगा, फंड्स, फंड, एफ यू एन डी, यस मैम, फंड्स। इनकम रिमेनिंग आफ्टर द टैक्सेस आर पेड, सारे टैक्स पेड कर दिए हैं, दैट इज, दैट इनकम इज नोन एज नेट, एनीटी नेट। और हमने इससे पहले एक क्वेश्चन आया था वहां पे, इनकम विदाउट टैक्स पेड, टैक्स पे नहीं किया गया है, वो इनकम क्या कहलाती है, वो इनकम क्या कहलाती है। यस बेटा, यस बेटा, हेलो हेलो, आवाज रिपीट हो रही है, रिपीट हो रही है बेटा। यस मैम, यस मैम, यस मैम, योर वॉइस इज, यस मैम, यस बेटा, रिपीट हो रही है, ओके, यस मैम। तो आपके अभी मैं किसी से भी पूछ सकती हूँ, रिवाइज हो चुका है ये पेज, यस रेडी, यस मैम, इसका नाम yes, वही रिप्लाई करें मेरे को, क्योंकि फिर हम आगे बढ़ेंगे, ओके ओके मैम। तो बताएंगे मंसू नेहरा, मंसू नेहरा टेल मी व्हाट इज द मीन्स ऑफ एवरी मंथ, Manshu, are you telling me? Payment. Every month, beta. I'm asking every month. Ma'am, payment. Monthly. Ma'am, monthly. Salary. Okay. Monthly. Monthly. अगर नहीं आता है, please don't give reply, okay? दूसरे बच्चे reply. दूसरे बच्चे reply नहीं करें, ठीक है? आप कुछ भी बोल रहे हैं, that is no discipline. Recording is going now. I will send you coordinator, ma'am. Okay? In your class group also, your parents will see. Okay, next thing is total income before tax is deducted. That is known as Jatin Yadav, tell me. Total income before tax is deducted. Yes, beta. Ma'am, please repeat. Total income before tax is deducted. Already two time, three time repeated, beta. ग्रॉस क्या कहेंगे इसको, ग्रॉस। नेक्स्ट कपिल, आप बताएं बेटा, कपिल टू मूव मनी फ्रॉम वन बैंक अकाउंट टू अनदर, एम ट्रांसफर, ओके वेरी गुड। अ बैंक्स मेन इंटरेस्ट रेट, व्हाट इज नोन एज मेन बैंक, मींस बैंक्स मेन इंटरेस्ट रेट, आप बताएंगे रोहिणी, रोहिणी टेल मी बेटा, यस बेटा, रोहिणी, यस मैम, यस बेटा बताएं, अ बैंक मैम पे, अ बैंक्स मेन इंटरेस्ट रेट इज नोन एज, प्राइम, क्या कहेंगे इसको, प्राइम, PRIME, प्राइम। नेक्स्ट है, अ बैंक अकाउंट दैट इज यूज टू सेव मनी, सेव मनी में कौन सा अकाउंट यूज होता है मैम, सेविंग्स,
सेविंग यस प्लीज म्यूट योरसेल्फ देखे नेक्स्ट जानवी शर्मा टेल मी व्हेन वन वर्क फॉर वन सेल्फ एंड नॉट एम्प्लॉयड एनीवेयर दैट इज नोन एज एक्सक्यूज मी मैम कैन यू रिपीट क्वेश्चन है व्हेन वन वर्क्स फॉर वन सेल्फ एंड नॉट एम्प्लॉयड एनीवेयर कोई व्यक्ति एक ही जगह काम कर रहा है मींस वो अपने मन से काम कर रहा है और किसी के यहाँ पे वर्क नहीं करता है दैट इज नोन एज सेल्फ एम्प्लॉयड आई एम नॉट एबल टू सेल्फ एम्प्लॉयड ओके हम आगे बढ़ते हैं बेटा यू हैव टू रिवाइज दिस पेज नेक्स्ट पेज इज सिटीज विद अ ग्लोरियस पास्ट ओके आर यू लिसनिंग ऑल Page number 58, cities with a glorious past. देखिए यहाँ पर what is there? Means Indian cities. We are talking about the Indian cities, long history, and identify the ancient Indian city. आपको identify करना है आपको उस city के बारे में नाम बताना है आपको उसके बारे में hint दिया जाएगा Clear? Next है the birthplace of musician Tansen. देखिए यहाँ पे It is the city where Tansen, the great magician, was born. This city was once the capital of Sindhya ruler who belonged to the Maratha dynasty. It is also referred to as Gopa Parvat, which means cowherd's hills. Means आपको बताना है कि Tansen का birthplace कौन सा question can come? What is the which place is the birth of magician Tansen and capital of Sindhya ruler? नेक्स्ट है काउ हर्ड हिल कौन सा सिटी है बेटा वो ग्वालियर ग्वालियर ओके ग्वालियर तो मींस गोपा पर्वत का नाम है यहाँ पे काउ हर्ड हिल मींस गाय जो काउ है वो ज्यादा रहती है वहां पर ओके काउ हर्ड हिल के नाम से जानी जाती है वो तो सभी को क्लियर है ग्वालियर तो यहाँ पे क्वेश्चन आपका किस तरीके से आ सकता है क्वेश्चन कोई जरूरी नहीं है पूरी लाइन हो आपको सिंपल ये भी पूछ लिया जा सकता है विच सिटी इज द बर्थ प्लेस ऑफ ग्रेटेस्ट म्यूजिशियन तानसेन ओके इसको ऐसे भी पूछ लिया जा सकता है कि वंस द कैपिटल ऑफ सिंधिया रूलर्स ओके ऑप्शन विल बी देयर नेक्स्ट क्वेश्चन इज नोन इन ब्रिटिश टाइम एज अवध अवध के नाम से जाना जाता था ब्रिटिश टाइम में कंसिडर्ड सेक्रेड प्लेस ऑफ बर्थ प्लेस ऑफ हिंदू हिंदू डेटी लॉर्ड रामा भगवान रामा का बर्थ प्लेस है नेक्स्ट है अयोध्या मींस रायना मींस अकॉर्डिंग रामायणा ओके अयोध्या इसके साथ साथ अयोध्या को हम हिंदुइज्म मींस कंसीडर्ड अ की बुद्धिस्ट सेंटर इसको बुद्धिस्ट सेंटर भी माना जाता है जैसे कि आपने सिक्स क्लास में पढ़ा था बुद्धिस्ट मॉन्क फाजियान फिफ्थ सेंचुरी मींस यहाँ पे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है इन विच सेंचुरी फाजियान केम टू इंडिया तो फिफ्थ सेंचुरी कहां पर आया अयोध्या में मेंशन दैट देयर वर 100 मोनेस्ट्रीज देयर वहां पे 100 मोनेस्ट्रीज भी थे बुद्ध मींस बुद्धा रिलीजन से रिलेटेड वर्ड है ये तो मींस द अयोध्या द बर्थ प्लेस ऑफ लॉर्ड रामा इज अयोध्या क्लियर है सभी को बोथ पॉइंट क्वेश्चन कैसे आ सकता है ये भी आपको गैस हो गया है कि कैसे मींस ऑप्शन इसमें आ सकते हैं नेक्स्ट है इट वाज द कैपिटल ऑफ चोला रूलर मीन्स यहाँ पे पूछा जा रहा है 9th टू 11th सेंचुरी बट विच सिटी वाज द कैपिटल ऑफ चोला रूलर्स द बिगेस्ट अट्रैक्शन ऑफ सिटी ऑफ बृहदेश्वर चोला टेम्पल बृहदेश्वर चोला टेम्पल का बिगेस्ट अट्रैक्शन भी यहाँ पे रहा है इट इज ऑल्सो नोन एज अ ट्रेडिशनल हैंडलूम वीविंग ट्रेडिशनल हैंडलूम वीविंग के लिए भी जाना जाता है मीन्स यहाँ पे बुनकर वीवर से रिलेटेड है यहाँ पर यूनिक पेंटिंग स्टाइल के लिए भी फेमस है ब्रास प्लेट्स मैन्युफैक्चर ऑफ बीना मींस जो इंस्ट्रूमेंट है म्यूजिशियन इंस्ट्रूमेंट बीना वो भी यहाँ पर बनाए जाते हैं उनके लिए फेमस है विच सिटी इज दिस थंजावुर थंजावुर सिटी वी आर टॉकिंग अबाउट थंजावुर सिटी इट वॉज द कैपिटल ऑफ 9th टू 11th सेंचुरी किसी को डाउट है इसमें नो मैम
okay no ma'am you can go to next yes नेक्स्ट आप देखेंगे अबाउट रिगार्डिंग कन्नौज. अब आपसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है व्हाट इज द अदर नेम ऑफ कन्नौज. तो देखिए यहाँ पे हिस्टोरिकली नोन एज कन्याकुब्जा. दिस टाउन ऑफ सेंट्रल उत्तर प्रदेश इन विच स्टेट इज दिस उत्तर प्रदेश वाज द कैपिटल ऑफ हर्षवर्धना. इट वाज द कैपिटल ऑफ हर्षवर्धना एम्पायर इन द 7th सेंचुरी थ्रू अर्लियर नोन फॉर इट्स ग्रेट स्प्लेंडर. स्प्लेंडर मीन्स शानदार या बहुत बढ़िया. द सिटी वॉज प्लंडर्ड ट्वाइस. इस सिटी को लूटा गया था किसके द्वारा. महमूद ऑफ गजनी एंड मोहम्मद गौरी दो लोगों ने इसको प्लंडर किया था. द टाउन इज रिनोड. रिनोड मीन्स जाना जाता है फॉर परफ्यूम्स एंड टोबैको. परफ्यूम और टोबैको के लिए जाना जाता है. हर्षवर्धनाज कैपिटल इज दिस इन विच स्टेट उत्तर प्रदेश. अदर नेम मीन्स कन्याकुब्जा. Or it was plundered by Mahmud Ghazni and Mahmud means Muhammad Ghori. Clear hai sabhi ko? That Kannauj. That means a question can come. What was the capital of Harshvardhana? Ya maine jitne bhi aapko question bataye, any one question can be there. Next beta, this city of Tamil Nadu was the capital of Pandya Kingdom. Means ab yahan pe hai name the capital of Pandya Kingdom. 1940 it became known as the center of civil disobedience movement. जो नागरिक means यहाँ पे नागरिक अवज्ञा आंदोलन जो था जो 1940 में हुआ उसका भी main place रहा है British ruling में. The city is famous for Meenakshi Amman temple. For which temple it is famous? Meenakshi Amman temple. True Mala Nayak Palace. एंड तापाकुलम टैंक इन सब के लिए फेमस है. और मेनली आप 6th क्लास में आपको रिपीट कराया गया था ये कैपिटल ऑफ पांड्या किंगडम मदुरई. मदुरई इट इज इन इंडिया साउथ. ओके इंडिया के साउथ में तमिलनाडु में है मदुरई. ओके फोर्ट का क्या है. यस बेटा फोर्ट का क्या है. कन्नौज. कन्नौज यस. आप कंप्लीट भी करते जाएं अपना काम अगर आपने नहीं किया है तो. देखिए नेक्स्ट. ओके मैम. दिस सिटी ऑफ मध्य प्रदेश. ये जो सिटी है मध्य प्रदेश में है डिराइव्स इट्स नेम फ्रॉम संस्कृत वर्ड जय. मींस यहाँ पे क्वेश्चन आ सकता है उसके बारे में कि ये कौन से वर्ड से लिया गया है. जय. ओके जय से लिया गया है. मीनिंग विक्ट्री. व्हाट इज द मीन्स ऑफ जय. विक्ट्री. इट वॉज वन ऑफ द फोर प्रोविंशियल कैपिटल ऑफ मौर्यन रूलर अशोका. अशोका की प्रोविंशियल कैपिटल रही है ये. द सिटी इज फेमस फॉर द मीन्स महाकाल टेम्पल. मीन्स द उज्जैन इज फेमस फॉर महाकाल टेम्पल. डेडिकेटेड द हिंदू डीटी लॉर्ड शिवा. महाकाल टेम्पल इज डेडिकेटेड टू लॉर्ड शिवा. इट इज ऑल्सो वन ऑफ द साइट ऑफ कुंभ मेला. इज वन ऑफ द साइट ऑफ कुंभ मेला. कुंभ मेला इसके अलावा आपने कहाँ कहाँ पर सुना है. वाराणसी. अयोध्या और वाराणसी. और आपका दूसरा है वहाँ पर प्रयाग. प्रयाग इलाहाबाद. प्रयाग हर जगह नहीं लगता है. प्रयाग इलाहाबाद का फेमस है. उज्जैन का फेमस है और हरिद्वार का. ठीक है नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे. इट इज ऑल्सो वन ऑफ द साइट ऑफ कुंभ मेला. A Hindu festival held there every 12 years. So, Kumbh Mela kitne year ke baad lagta hai? After 12 years. So, where is Ujjain? In which state? Madhya Pradesh. Sanskrit word Jai means? Tree. Okay. So, means it was the capital of Mauryan ruler Ashoka? Ujjain. Clear hai sabhi ko? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Next, आप देखेंगे वाराणसी. वाराणसी. वाराणसी is known as the city of thousand temple. वाराणसी किस नाम से जानी जाती है? A city of the city of thousand temples. Thousand temple. It is one of the oldest city existing in the world and has more than one pilgrims. क्या हो रहा है बेटा ये? Please don't disturb. Existing in the world has more than 1 million. Means यहाँ पे 1 million से भी ज्यादा पिलग्रिम्स मीन्स तीर्थयात्री आते हैं. नेक्स्ट है 1910 अंडर ब्रिटिश रूल वाराणसी बिकेम अ न्यू इंडियन स्टेट.
After independence in 1949, we got independence in 1947. अब यहाँ पे पूछा जा रहा है, after independence in 1949, Varanasi और Banaras became part of state of Uttar Pradesh. So means Varanasi is related with which state? उत्तर प्रदेश. यहाँ पे अंडरलाइन करें, यहाँ पे क्वेश्चन आपका आ सकता है. जैसे क्वेश्चन पूछेगा, विच सिटी इज नोन एज थाउजेंड पीपल, सिटी ऑफ थाउजेंड पीपल. यस, वाराणसी और बनारस, एक ही चीज है ये. नेक्स्ट है विजिटिंग द नॉर्थ ईस्ट. सभी को एंजॉय आ रहा है, कोई बोरिंग तो नहीं हो रहे हैं पढ़ने में? नॉर्थ ईस्ट देखिए, विच प्लेस इज इन द नॉर्थ ईस्ट होल्ड द रिकॉर्ड फॉर बीइंग वन ऑफ द बेटेस्ट प्लेस ऑन अर्थ. ऑल यू नो अबाउट दिस, विच इज द हैवीएस्ट रेनी प्लेस. मोसिनराम बोलते बेटा इसको, चेरापूंजी के पास ही है. चेरापूंजी और मोसिनराम एक ही जगह है ये. इन विच स्टेट इज दिस हैवीएस्ट रेनफॉल देयर बेटा? कौन से स्टेट में बताएं जल्दी. मेघालय. मेघालय, देयर इज द हैवीएस्ट रेन मीन्स रेनफॉल मीन्स यहाँ पे बताएंगे बेटेस्ट प्लेस, सबसे ज्यादा बारिश होने के कारण दैट इज नोन एज बेटेस्ट प्लेस, मसिनराम इन मेघालय. नेक्स्ट बेटा, विच इज द लार्जेस्ट स्टेट इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया? लार्जेस्ट अरुणाचल प्रदेश. अरुणाचल प्रदेश, वी आर टॉकिंग अबाउट अरुणाचल प्रदेश. अरुणाचल प्रदेश, बस बेटा रिपीट हो गया है. ओके, देखिए यहाँ पे इफ वी आर टॉकिंग अबाउट द लार्जेस्ट स्टेट अकॉर्डिंग एरिया इन इंडिया देन इट इज राजस्थान. अगर यहाँ पे पूछा गया आपको लार्जेस्ट स्टेट इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया तो योर आंसर विल बी अरुणाचल प्रदेश. डोंट बी कंफ्यूज. नेक्स्ट है द नेम ऑफ विच स्टेट इन इंडिया मींस ज्वेल्ड लैंड. कौन सा ऐसा स्टेट है ज्वेल्ड नेम? मणिपुर. व्हाट इज द कैपिटल ऑफ मणिपुर? कैपिटल इम्फाल. इम्फाल. यस. Which river flowing through northeast India is also known as Tsangpo in Tibet? Tibet में Tsangpo. Brahmaputra. 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 Okay. सब बच्चों ने unmute कर रखा अपने आप को. Next. Which state of the northeast has the Kibul-Lejamu National Park? Kibul-Lejamu National Park, Manipur में है ये. Which is the largest city in Nagaland? In Nagaland, which city is the largest city? Dimapur. Dimapur. What is the capital of Nagaland? आप पढ़ चुके हैं सभी अभी. Capital of Nagaland? Kohima. Kohima. Yes. Next is which of these hill are not found in northeast India? कौन सी hill northeast India में नहीं है? बाबा बुंदागिरी. बाबा बुंदागिरी. बाबा बुंदागिरी. Yes बेटा, बाबा बुंदागिरी. Next है आपके, you have to read the name of these buildings. कामाख्या temple. In which state? आप question इसमें कैसे आ सकता है? Where is the कामाख्या temple? तो state आपको दिए होंगे उसमें से. असम. असम. तो means कामाख्या temple है असम. नेक्स्ट है त्वंग मोनेस्ट्री. इन विच स्टेट इज त्वंग मोनेस्ट्री? अरुणाचल प्रदेश. वेयर इज उजयंता पैलेस? उजयंता पैलेस त्रिपुरा. त्रिपुरा. ओके, व्हाट इज द कैपिटल ऑफ त्रिपुरा? अगरतला. ओके, तो मीन्स आपका ये क्वेश्चन दोनों तरीके से आ सकता है. इन असम विच टेम्पल इज देयर? तो मीन्स कामाख्या टेम्पल. या फिर इस तरीके से क्वेश्चन आएगा, इन विच स्टेट मीन्स त्वंग मोनेस्ट्री? अरुणाचल प्रदेश. या फिर इन मीन्स इन अरुणाचल प्रदेश विच मोनेस्ट्री इज देयर? तो मीन्स क्वेश्चन के लिए आप रेडी रहेंगे. और उजयंता पैलेस इन त्रिपुरा.
रेडी सभी को लर्न हो गया अच्छे से रिवाइज करेंगे यस मैम इफ यू हैव एनी डाउट इन फोर पेज देन यू कैन आस्क बेटा आज आपको फोर पेज ही कराते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट कराएंगे सभी को इतना जो मैंने आज कराया है वो सभी को आज ही लर्न हो जाना चाहिए ठीक है देन यू कैन गिव गुड रिजल्ट इन योर एनपीएससी ओके एनी अदर डाउट देन आस्क यू नो डाउट मैम ओके नो डाउट और टुडे यू विल शेयर मी आप अपना जो वर्क आपने किया है 50 पेज से आगे सर ने कहां तक करा दिया बेटा यही तक अगर जिसका नहीं हुआ है 59 का तो वो करके और मेरे को शेयर कर देंगे ठीक है ताकि मैं आपको ग्रेड दे सकूं आपका रिकॉर्ड बना सकूं और उससे पहले सभी का कंप्लीट है अगर नहीं है तो बताएं बेटा हम कंप्लीट है सभी का कंप्लीट है यस बेटा हाँ मेरा व्हाट्सएप नंबर जिससे मैं लिंक भेजती हूँ वही मेरे पास आपका व्हाट्सएप नंबर नहीं है बेटा मैंने आपको ग्रुप पे लिंक भेजा है ना वही मेरा व्हाट्सएप नंबर है हाँ तो सभी को मेरे व्हाट्सएप नंबर पे ही भेजना है बेटा ओके मेरे व्हाट्सएप नंबर पे विद योर नेम एंड सेक्शन ओके क्योंकि मेरे को आपकी अकॉर्डिंग टू सेक्शन रिपोर्ट बनानी है तो आप मेरे को नेम एंड सेक्शन भेजेंगे क्लियर और जिसका भी रह जाएगा जैसे मेरे को आप कंप्लीट भेजे नहीं तो फिर वहां पे एब्सेंट शो हो जाएगा या फिर आपका इनकम्प्लीट वर्क में शो होगा तो सभी को भेजना है बेटा ठीक है पेज नंबर 55 से 59 तक भेजेंगे सॉरी 56 से कराया ना मैंने आप सेकंड टर्म स्टार्ट हाँ 56 से 59 तक और पहले का आपका कंप्लीट होना चाहिए कभी भी मैं आपका चेक कर सकती हूँ क्लियर ठीक है यस बेटा तो अभी आप इन फोर पेज में किसी को डाउट है तो पूछ सकते हैं नेक्स्ट क्लास में हम आगे बढ़ेंगे अदिति कोई डाउट है बेटा अच्छे से क्लियर हो गए ये फोर पेज आपके यस मैम नो डाउट अर्पिता आपको यस मैम क्लियर है जानवी आपको आवाज नहीं आ रही थी बेटा अभी क्लियर है सभी कोई डाउट है तो पूछ सकती हूँ आप जानवी नो मैम एवरीथिंग इज नो मैम एवरीथिंग इज सो फाइन ओके वेरी गुड बेटा क्रिस यदुवंशी एनी प्रॉब्लम नो मैम यू ऑल हैव टू शेयर ओके स्क्रीनशॉट ऑफ योर वर्क टुडे ताकि मैं आपके जो फोर सेक्शन है उनकी लिस्ट रेडी कर दूंगी ठीक है ओके बेटा